हाय गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा वि ब्लॉग कैसे हो आप सब लोग आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर प्रोफेशनल वीडियो क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मेरे लूज कर्ल्स मैंने अभी किए हुए हैं और किस चीज़ से मैंने किया किस मशीन के थ्रू मैंने किया है वो है आइकॉनिक की कर्लर है आइकॉनिक प्रोफेशनल इसको आपने काफ़ी सारे सलॉन प्रोफेशनल में देखा होगा जो भी प्रोफेशनल सलॉन होते हैं और वहाँ पर आपको यह आइकॉनिक का ये कर्लर आइकॉनिक के यू नो आइनिंग वगैरह देखने को मिलेगी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं आइकॉनिक के अगर आप लोग लेना चाह रहे हो अच्छा कलर तो एक बार आइकॉनिक ज़रूर ट्राई करना और भी ब्रांडेड के मिल जाएंगे लेकिन आइकॉनिक मतलब एक कहते ना एक प्रोफेशनलिज्म बस आई ट्रस्ट तो आइकॉनिक बहुत अच्छा है और अभी मैंने लूज कल्स इसी से किए तो आप लोग रिजल्ट देख सकते हो आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी भी लूज कल्स किए है, कैसे हैं मैंने ओके okay, तो मैं इसकी पैकेजिंग की बात कर दी ये एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है और आइकॉनिक प्रोफेशनल कर्लिंग टोंग इसमें क्या है ना ये सेरमिक शाइन प्लेट है और भी टोंग्स आते हैं लेकिन सेरमिक शाइन प्लेट नहीं आते अगर आप थोड़े से नो कम बजट में लेते तो इसमें आपकी सेरमिक शाइन इन्फ्यूज बैरल हीट रेडी इंडिकेटर सिस्टम और दूसरी चीज़ ये इसमें आपको ये लाइट मिली है ठीक है जब आप इसे पावर ऑफ है और ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है इसका टेम्परेचर आप इसे अपने अकॉर्डिंग हाई और लो में कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि इससे आपके ना बालों में हीट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी आप अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जितना आपको लूज़ कल करना है जितना डाइट कल्स करना है आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अच्छा ये मॉडल नंबर की बात मैं करूँ तो ये मॉडल नंबर मेरा सी टी ट्वेंटी एट है और अच्छा इसके क्या क्या इसके बेनिफिट इसके आपको मिलते हैं अगर आप ये लेते हो इसमें क्या है ना इसमें आपके सेरेमिक बैरल लगी है। अगर इसकी जगह आपकी प्लेन बैरल लगी होती ना तो लाइक मतलब वो ना बालों को ना खराब कर देती तो इसलिए इसमें सेरेमिक तो इसमें क्या होगा आप जब आप कर्ल कलोगे कर ना तो आपके बालों में शाइन भी ऐड होगी ठीक है तो ये मतलब बहुत अच्छा और मैं तो कहती हूँ कोई भी हीटिंग टूल्स यूज़ करने से पहले अपने बालों में अच्छी तरह हीट ही प्रोटेक्ट सीरम जरूर लगा के रखो आज के वीडियो में मैंने यूज़ किया है स्ट्रीक्स प्रोफेशनल विटामिन रिच ग्लॉस हेयर सीरम ठीक है और ये मेरा मतलब मुझे काफ़ी पसंद है काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ये हो गया गुड वाइब्स का नरिशिंग विटामिन ई हेयर सिरम हो गया फिर है कोल cool टिप अच्छा कोल cool टिप इसमें आपको एक यहाँ पे टिप दी रहेगी अगर आप इसे कर्ल्स करो और यहाँ पे इसके टिप पर आप इसे पकड़ के इसे हैंडल कर सकते हो तो आपको ना बहुत इजीली आप बालों को कर्ल्स कर लोगे दूसरी चीज़ें इंस्टेंट हीटअप अच्छा दूसरी चीज़ें यह कि आपको एक मिनट बस आपको छोड़ना रहता है सिक्सटी सेकेंड्स के लिए आपको यह छोड़ना रहेगा उसके बाद ये आपका ना ऑटोमेटिक हीट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इंटीग्रेटेड सेफ्टी स्टैंड और इसमें आपको ये सेफ्टी स्टैंड मिल जाएगा कभी कभी क्या होता है ना मैं आ, ऐसे लूज कल्स के और रख दिया ध्यान ही रहता कभी कभी तो इसके लिए आपको ये स्टैंड दिया जाएगा इससे क्या होगा जो भी आपका सर्फेस रहेगा ना वो जलेगा नहीं वो गर्म होकर चिपकेगा नहीं तो ये जब आप इसे स्टैंड ऐसे ये निकाल निकालोगे ना तो ये एकदम ये ऐसे हो जाएगा ठीक है तो ये चीज़ जो इसकी सर्फेस प्लेट रहेगी ना ये जो हीट वाली ये सर्फेस पर टच नहीं होगी तो कोई भी चीज़ आपका सामान डैमेज नहीं होगा कम्फर्ट स्लिप फ्री ग्रिप अच्छा ये बहुत लूज नहीं रहेगी कि ऐसा नहीं रहेगा कि बाद आपको मतलब स्लिप होगी हाथ से ईजिली नो हैंडल आप कर सकते हो और आराम से देखो ना इसे आप इसे राउंड कर लोगे और जितने मतलब अगर लंबे बाल भी गिने तो भी बहुत ईजिली अच्छे से हो जाएगा फिर ओवर हीट प्रोटेक्शन सरमिक प्लेट लगी रहती है ना एक ये फ़ायदा जरूर रहता है कि एक ओवर हीट प्रोटेक्शन आपको मिलेगा बाल जलेंगे नहीं दूसरी चीज़ है मैक्स टेम्परेचर जो कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम टू मिनिमम टेम्परेचर का इसमें है और आराम से आप इसे अपने अकॉर्डिंग ओनू टेम्परेचर सेट कर सकते हो आइकॉनिक प्रोफेशनल का है अभी तक यूज नहीं किया है खरीदना चाह रहे हो कलर कोई अच्छा देख रहे हो तो इसको ट्राई कर लेना इसका प्राइस मैं आप लोग को बता दूँ ये मैंने लोकल, मार्क, लोकल मार्केट से लिया था ऑनलाइन नहीं लिया था इसमें आपको कई सारे साइजेस मिल जाएंगे सिक्सटीन एम एम नाइनटीन एम एम ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट थर्टी एट और इसकी एम आर पी की अगर मैं बात करूँ तो ये थर्टी वन हंड्रेड का है इकतीस सौ का है ये और ऑनलाइन लेना चाह रहे हो तो डिस्काउंट मिल जाएगा लोकल मार्केट से लेना चाह रहे हो तो अगर फेस्टिवल वगैरह में लेते हो तो कोई डिस्काउंट मिल जाएगा और आई थिंक मिल ही जाएगा आपको पदोंने को डिस्काउंट तो देखो टोंग के ऊपर मिल जाएगा एंड अगर मैं अपने टोंग के साइज़ की बात करूँ तो ये ट्वेंटी एट एम एम का है और इसमें ग्रिप यार बड़ी अच्छी दी है रबड़ की ग्रिप है तो मतलब स्लिप नहीं हो रही है ऐसे नहीं कि प्लास्टिक की है आराम से रबड़ की हैंडल आप लोग इसे आराम से आप लोग इसे देर तक अपने बालों को ना स्टाइल कर सकते हो तो चलो मैं दिखाती हूँ आज के वीडियो में कि आप लोग को अब इसको कर्ल कैसे करना है का तो सबसे पहले आप अपने टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर को सेट कर लो क्योंकि इसमें मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर है तो जिस भी आपको टेम्परेचर में सेट करना है आप उसको 180 डिग्री और भी इसमें कई सारे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो यानी कि कितनी जल्दी आपको चाहिए कितनी देर में चाहिए बहुत ज़्यादा हीटर अप नहीं करना है उससे तो आपके ना मतलब बाल तो चलो सर में प्लेट लगी तो बाल डैमेज नहीं होगा प्लस लेकिन एक ये चीज़ होती है ना अगर आप एक अपने एवरेज हीट लेके चलो तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं लेके कर चलनी है और आप देखोगे थोड़े से मेरे यहाँ पर छोटे बाल थे इसलिए आप लोग को थोड़ा सा लूज़ कर्ल्स आएगा लेकिन अगर आप लोग के लंबे बाल और रहेंगे ना तो आप क्लियरली उसमें ना कर्ल्स आएगा आप लोग मेरे हेयर देख रहे हो शोल्डर तक के हैं मेरे हेयर की लेंथ इसलिए मैं आपको एक ही स्ट्रैंड पर यह यहाँ यहाँ पर करके दिखाऊँगी उसके बाद आप लोग अपने ओवरऑल बालों में करना तो आप लोग को बेटर रिजल्ट पता चलेगा और एक ही स्ट्रैंड पे करने से आप लोग को इसका रिजल्ट पता चल जाएगा क्योंकि जब आप इसे कल्स कर लोगे वो ऑटोमेटिक आपका कल्स हो जाएगा और मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है स्प्रे कर दोगे अगर आप आपको पार्टी वगैरह अटेंड करनी है तो ओवर नाइट आपका ये आराम से चल जाएगा जब तक आप शायद हेयर वॉश नहीं करोगे ना तब तक चल जाएगा थोड़ा सा लूज़ कल्स ही मैंने किया यहाँ पर अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी मैंने ड्रेस पहनी है अभी आप लोग मेरा लुक देख सकते हो और एक बार स्ट्रेट बालों में देखो बहुत आपको लुक चेंज लगेगा दोनों हेयर में आई होप गाइज देखा आप लोगों ने कितने अच्छे से इसने बाल बाले मेरे बालों को सेट कर दिया है आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा इसकी वायर की मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो मतलब अच्छी खासी लेंथ दी है यार इसके आराम से आप अगर थोड़े से डिस्टेंस में बैठो ना अपने प, 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 क्या बोलते हो बोर्ड के स्विच बोर्ड के तो आराम से आप इस लोग जैसे ना स्टाइल कर सकते हो अपने हेयर को आज का वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को मेरा वीडियो जरूर शेयर करिएगा सी यू नेक्स्ट वीडियो लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय एंड हाँ आपने ये वाला मेरा मेकअप लुक नहीं देखा होगा तो इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी वहाँ पर जाकर आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर लेना लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय